अगली खबर आ रही है गया से, जहां बोधगया में बन रही भारत की सबसे बड़ी 100 फीट की लंबी प्रतिमा लगभग तैयार हो गई है। अगले वर्ष 2023 में उद्घाटन समारोह किया जाएगा। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा इस बुद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। मिशन के सचिव भंते बी आर पाल भिक्खू ने बताया कि लगभग 3 साल से निर्माण कार्य चल रहा है और अभी भी बहुत सारे कार्य बाकी हैं, लेकिन कोरोना काल के 2 साल बाद विदेशी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया, तो इसके लिए इस स्थल को दर्शन के लिए खोल दिया गया है। अगले साल दिसंबर 2023 में इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब उनसे पूछा गया कि अभी तक भगवान बुद्ध की बैठे हुए मुद्रा में ही मूर्ति है, तो इस तरह की मूर्ति क्यों बनाया गया, तो उन्होंने बताया कि यह भगवान बुद्ध का आराम मुद्रा की मूर्ति है। भगवान अपने निर्वाण प्राप्त करने पूर्व इसी मुद्रा में 3 माह तक लेटे हुए थे, इसलिए इस मुद्रा में भगवान बुद्ध की 100 फीट की लंबी मूर्ति का निर्माण किया गया है। हम पहला जो वीडियो वाला को जितना भी दर्शक देख रहा है स्क्रीन पर, टीवी पर और यूट्यूब पर, तो सबको हम अभिनंदन कर रहा हूँ। हम लोग इंडियन और बिहार और बोधगयावासी बहुत गर्व करता हूँ कि बुद्ध भगवान का जन्म यहाँ बोधगया पर हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नेपाल पर हुआ, तो बुद्ध का ज्ञान प्राप्त यहाँ मिला, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं बुद्ध का जन्म बोधगया पर हुआ, तो इसीलिए हम बोधगयावासी बहुत गर्व से करता हूँ। तो इसी के कारण से बहुत सारा दुनिया का जो बुद्धिस्ट कंट्री है असल सब लोग का अपना अपना टेम्पल बनाया, तो बुद्ध मूर्ति भी बनाया। तो हम देखा है कि जो अभी लेट हुआ मुद्रा, जो आराम मुद्रा है, इसका आराम मुद्रा बोलता है, ऐसा वाला मुद्रा पर कोई मूर्ति यहाँ पर नहीं है। तो इसका मुद्रा का भी, ऐसा प्रतिमा का भी एक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध जब उनका परिनिर्वाण घोषित किया, क्या फेब्रुआरी महीना का, वो तो माघ महीना का बोलता है, तो उसी का टाइम बोला कि आज से 3 महीने का बाद वो बैसाखी पूर्णिमा का दिन उनको ध्यान हो जाएगा। ऐसे जो मुद्रा देख रहा है लेटा हुआ, ऐसे वाला मुद्रा पर उन्हें डिक्लेयर किया। उनका जब परिनिर्वाण भी हुआ था इसी मुद्रा पर उन्हें परिनिर्वाण हुआ, बस उनका अंतिम वचन भी ऐसा करके उन्होंने दिया था। तो इसीलिए हम सोचते कि ये वाला मुद्रा सबका जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कारण से। अच्छा, ये मतलब कितने फीट का मूर्ति है? 100 फीट का, लेकिन इसमें एक जगह लिखा हुआ कि मतलब दुनिया का सबसे, मतलब विश्व का, दुनिया का ये भारत में सबसे बड़ा, भारत के सबसे बड़ा, भारत में ये मतलब है जो है यहाँ का, तो सब 100 फीट का मूर्ति है। तो म्यांमार और बर्मिस जो बोलता है वहाँ पर 100 मीटर वाला मूर्ति, 100 मीटर ऐसा वाला मूर्ति है, 100 मीटर वाला, तो 330 फीट का ऊपर होगा ज़्यादा। तो हमारा इंडिया पर यहाँ पर बैठने वाला तो ध्यान मुद्रा का पर तो जापानी वाला 80 फीट का बनाया, और एक खड़ा वाला सारनाथ पर बनाया है, वो भी 80 फीट 81 फीट के बनाया, तो ये वाला सबसे बड़ा 100 फीट का है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो मतलब है इसका संचालन किस देश के काल से हो रहा है? इसका संचालन बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन से हो रहा है, तो कोलकाता हम लोग का हेड ब्रांच है कोलकाता, तो हम इसका प्रतिष्ठाता फाउंडर सेक्रेटरी है, तो यहाँ पर जमीन खरीद करना, टेम्पल करना, सब कुछ हम कर रहा हूँ, तो मूर्ति भी बनाने का डिसीजन हम भी लिया है। कहाँ के कलाकारों ने इस मूर्ति को? कोलकाता का कलाकार शिल्पी मिंटू पाल किया था, पश्चिम बंगाल का भी सबसे बड़ा बुद्ध स्टेज वो भी केदार में निर्मित कर दिया था। तो हमको कॉन्टैक्ट हुआ 2019 का दिसंबर महीना पर। आम जनता के लिए मतलब कब से खोला गया? आम जनता के लिए अभी तो उद्घाटन नहीं हुआ, अभी तो काम चल रहा है, तब भी हमारा तो ये तो मूर्ति 95% बन गया, इसीलिए कोई का आदमी आ रहा है जिंदगी भर दोबारा नहीं आ सकेगा, इसीलिए कोई का आदमी अभी से भी देख सकते हैं, देख करके जा सकते हैं। इसका उद्घाटन होगा अगला साल दिसंबर महीना का 3 तारीख, तो हम सब लोग का इन्वाइट कर रहा हूँ जो ऑनलाइन पर देख रहा है, तो सबका इन्वाइट कर रहा हूँ, आप लोग जरूर आना दिसंबर महीना का 3 तारीख अगला साल 2023। मेरा नाम आर्यपाल भिक्षु, हम फाउंडर सेक्रेटरी बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन।